सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश बसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको 26th ऑफ अप्रैल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, कौन से टारगेट्स आपको अचीव हो सकते हैं और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, वो आज इसे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले स्टॉक्स की, भेल, अलाहाबाद बैंक, KPIT टेक्नोलॉजी, HCL टेक और डिवीज लैब। ये 5 स्टॉक्स बाय और सेल के साइड में हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। भेल को बाय सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 83.8879 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 88 का लगा के चलना होगा। अलाहाबाद बैंक सेल करने की सलाह दी जाएगी 45.8042 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 50 का लगा के चलना है। KPIT टेक्नोलॉजी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 246.2249 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 240.60 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ज़्यादातर बैंक्स के अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि शायद बैंक निफ्टी और नीचे जाने की कोशिश करे। और अगर हम बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी या HCL टेक या IT शेयर्स की, तो मैंने आपको IT शेयर्स में बताए थे कि IT सेक्टर में शायद दबाव आ सकता है, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा रुपी है वो वीकेंड हो जा रहा है, हमारा रुपी कमज़ोर हो रहा है, उसकी वजह से IT सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म करे जा रहा है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो कल के इंट्राडे में हमें आउट परफॉर्म करके थे वे देख सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है और 64 के ऊपर जाने की संभावना भी लग रही है डॉलर की। तो बाय करने की सलाह 1080-1100 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 1059 का लगा के चलना। बात करें डिवीज लैब की, तो मैंने आपको उस टाइम बताया ये भी था कि आपको फार्मा सेक्टर को सेल करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि फार्मा सेक्टर में अब टॉप बन चुका है और अब शायद वो दबाव में जाए, तो डिवीज लैब को सेल करने की सलाह दी जाएगी 1152-1136 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 1185 का लगा के चलना। अब बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो हमें पता है कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली मंथली एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी एक्सपायर होने वाले हैं, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊं तो हमने देखा कि आज मार्केट ने बहुत वीक परफॉर्म करा, पर हमने देखा था कि वो जो जो इतने ये बॉन्ड डील्स थे वो ऊपर की तरफ चले गए थे, और डाउ जोन्स जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि उसे वॉच करके ज़रूर चलना कि जो 10 ईयर बॉन्ड डील्स ऊपर चले गए हैं उसकी वजह से शायद हम डाउ जोन्स में गिरावट देख सकते हैं। तो वही हुआ और 450 पॉइंट्स तक की गिरावट हमने आते हुए डाउ जोन्स के अंदर आते हुए देखी और उसकी वजह से हमारी मार्केट ने भी अंडर परफॉर्म करा। तो अब भी जो डाउ जोन्स है 52 वीक हाई पे ही ट्रेड करे 10 ईयर बॉन्ड डील्स, तो डाउ जोन्स में हम और गिरावट आते हुए देख सकते हैं, उसकी वजह से शायद हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जोन में अटक जाए, और वो जोन जो 10,500-10,650 है। हमने देखा था कि कल निफ्टी ने 10,600 के लेवल को क्रॉस करा था और आज भी उसने सस्टेन करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाया, और 10,500 के लेवल को वो नहीं तोड़ पा रहा, बहुत मजबूत लेवल बन चुका है। तो 10,500 एक स्टॉप लॉस के दौर में आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर उसके आसपास आता है तो आप वहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और 10,650 तक की जाने की संभावना है, ये एक रेंज है जिसमें निफ्टी ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं कहेंगे हम, सिंपल मूविंग एवरेज को उसने तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, तो हम कह सकते हैं कि और गिरावट इसमें आ सकती है। और ज़्यादातर बैंक स्टॉक्स के अगर हम चार्ट्स को देखते हैं तो वो भी वीक लग रहे हैं, तो बैंक स्टॉक्स बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने की सलाह ज़्यादातर नहीं दी जाएगी। 24,580 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट आपको 25,202 के मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो कल एक्सपायरी है, बहुत मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो आपको मार्केट को वॉच करके चलना होगा। और अगर आपको मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताऊं तो हम देख सकते हैं कि कल एक्सपायरी है तो जो ऑप्शन का कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम है वो प्रीमियम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आपको लगता है कि मोमेंटम जहां पर बन रही है अपसाइड में या डाउन साइड में, तो उस साइड का आप अपोजिट का कॉल को सेल कर सकते हैं और आप वहां से फ़ायदा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर वो कॉल की प्रीमियम डिक्रीज भी होती है तो भी आप उससे फ़ायदा कमा सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ आप हर दिन पा पाएंगे। तो मैं शिवांश बसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।